तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं और आज हमारे पास है एक नया प्रोडक्ट, एक बहुत ही जो कह सकते हैं क्रिएटिव प्रोडक्ट, और जो नए नए प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं उसका एक बेस्ट ऑप्शन आपको देने वाले हैं। आज का जो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है दोस्तों, ये है बोल्ट की तरफ से आने वाला Z40, जो कि ENC माइक के साथ आता है, हमारा ईयरबड्स होने वाला है। तो आपको बता दें, इस रेंज में जो है कि 1000 से 2000 और अंडर 1000 का जो रेंज है, इस रेंज में आपको जो है कि सबसे बेस्ट ईयरबड्स चाहिए तो बिल्कुल आपका जो है कि सर्च यहाँ पे ख़त्म होता है। ये आपको जो है कि प्रोडक्ट बहुत बेस्ट निकलने वाला है। आपको सारे प्रोडक्ट का पूरा अनबॉक्सिंग करके आप इसका रिव्यू देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो इसको खोलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट की तरफ से ये बॉक्स आया है। हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह से पैक किया गया और क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने है। इसके अलावा बॉक्स में कुछ है नहीं, बॉक्स को रखते हैं साइड में। आप यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ट की तरफ से आने वाला Z40। ये बोल्ट नहीं है दोस्तों, ये बोल्ट है। बोल्ट भी एक अच्छी कंपनी है। इसका जो है कि जो आवाज़ का जो क्लैरिटी है और जो माइक का जो डिफिनीशन है, ये काफ़ी अच्छा है। आप इसको एक तरह से अच्छा ऑप्शन मान के चल सकते हैं। तो हमारा बोल्ट की तरफ से Z40 जो नया लॉन्च हुआ है, ये काफ़ी अच्छे ट्रेंड में, और आप कह सकते हैं कि इसका जो रिव्यू है वो भी काफ़ी अच्छा लोगों से मिला, और इसीलिए हमने भी इसका रिव्यू करने के लिए सोचा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें लो लेटेंसी है, बहुत ही काफ़ी स्मूथ तरीके से ये चलने वाला है। और इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन, आपको बताया इसमें ENC का माइक है, इनके इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन है। ये इन्वायरमेंट में जो भी नॉइज़ होगा इसको फाइंड करके इसको मिनिमाइज़ कर देगा। और इसके साथ में 10mm का ड्राइवर है, जो कि नॉर्मली हर एक ईयरबड्स में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको डुअल मास्टर मिलता है, मतलब आपके पास डुअल पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये IPX5 वाटर रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि आप जो है कि 15 से 20 मिनट तक अगर इस पर पानी का छिड़काव करें तो इससे कोई प्रोडक्ट पे कोई नुकसान नहीं होने वाला। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट जो है कि एक्जॉटिक माइल प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी कर रही है, जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है। और आपको बता दें ये बोल्ट कंपनी है दोस्तों, ये इंडियन कंपनी है, पूरी तरह से इंडियन। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन बेहिचक इसमें कुछ ना कुछ चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट होगा ही, क्योंकि कुछ ना कुछ किट्स और इक्विपमेंट्स आपको चाइना से मंगवाने पड़ते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, ये काफ़ी लेटेस्ट यानी कि मई 2023 का है, हालांकि 3-4 महीने बीत चुके हैं। और इसमें जो MRP डाला हुआ है 5000 का, और ये प्रोडक्ट का जो मेन नाम है वो है बोल्ट Z40। ये हमने ब्लू कलर में मंगाया दोस्तों, इसमें ब्लैक और वाइट टाइप के आपको दो ऑप्शन और मिल जाते हैं। तो चलिए इसके साथ हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अलावा आपको बाहर में बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलने वाला है। तो हम बता दें इसके बारे में कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये 60 आवर का बैकअप देने का जो कंपनी क्लेम करती है, और 10 मिनट के चार्ज पे आप 100 मिनट तक इसको, यानी कि लगभग 1.5 घंटे तक आप इसको चला सकते हैं। इसके साथ में आपको मिलता है 5.3 ब्लूटूथ, जो कि वेरी लेटेस्ट ब्लूटूथ है, जो कि अच्छा कनेक्टिविटी आपको देता है। इसके साथ में आप जो है कि ENC माइक देता है, जो कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। 10mm का ड्राइवर है, वॉइस असिस्टेंट भी सीरी या गूगल का जो है कि वो बिल्कुल इसमें वर्क करेगा। तो बिना देर के इसको भी खोलते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है कि बाहर आ चुका है, तो हम बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं हमारा प्रोडक्ट किस तरह का होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन एंड सिक्योर, आपको जो है कि 3 महीने का एक्सटेंडेड वारंटी आपको क्लेम कर सकते हैं अगर आप इसको स्कैन करें तो। कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 3 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी आपको प्रोवाइड कराती है, 1 साल की वारंटी के अलावा। तो बिल्कुल आप इसको स्कैन करके रजिस्टर कर लीजिए। इसको रखते हैं साइड में, बाकी देखते हैं और क्या क्या मिला है। इसके साथ में आपको मैनुअल मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं विक्की कौशल का फोटो आपको दिख रहा होगा। प्रो प्लस कॉलिंग माइक है, माइक का क्वालिटी काफ़ी बेहतर आपको दिखेगा, और आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कि इसमें देख सकते हैं इनपुट जो है कि आपको 5 वोल्ट और 300mAh का जो इनपुट है चार्जिंग के लिए, और कैपेसिटी जो है कि पावर का जो कैपेसिटी है 550mAh का है, और ईयरबड्स का जो बैटरी कैपेसिटी है वो 40mAh का। मतलब इसमें जो बॉक्स है, जो मेन बॉक्स है, आपको दिखा दें, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट होने वाला है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो बॉक्स है, इसका कैपेसिटी आपको जो है कि 550mAh का है, और जो मेन जो माइक लगा हुआ है, जो ईयरबड्स है, उसका 40mAh है।
तो कुल मिलाकर डिसेंट आप कह सकते हैं कि पावर है इसमें, ओके ओके है, नो प्रॉब्लम। 5.1 का ब्लूटूथ वर्जन है और आपको यहाँ पे 10 मीटर से ज्यादा का रेंज आपको मिल जाता है, मोर देन 10 मीटर, अराउंड 10 to 11 मीटर कह सकते हैं आप। मटेरियल इसमें ABS मटेरियल यूज किया गया है और इसी के साथ हम इसको करते हैं साइड। अब देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो और क्या क्या इसके साथ मिला है। इसके साथ में आपको एक्सेसरीज मिल जाता है, आप अगर इसको देखें इसमें क्या है तो चार्जिंग का केबल होगा, इसके अलावा तो कुछ कंपनी देने वाले है नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चार्जिंग का केबल, टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट है दोस्तों, तो इससे क्या कि फास्ट चार्जिंग और एक तरह से कर सकते हैं कि यूनिवर्सल चार्जर होने वाला है। तो इस लहजे से ये काफ़ी अच्छा चार्जर मतलब एक तरह का मिला, लेकिन ये जो कॉर्ड का लेंथ है काफ़ी छोटा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बड्स के लिए आपको जो है कि बहुत सारा ऑप्शंस भी मिला है, आप रबर जो है कि आप उसका चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों को रखते हैं साइड में। अब जो है हमारा प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लुक में आपको दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग आपको दिख रहा है, बॉल्ट ऑडियो करके है, यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा तो ये स्क्रैच्ड किया हुआ है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा जो है कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा लग रहा है। बाकी चल इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट ठीक लग रहे हैं। चलो इसको ओपन करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो इसका जो कवर है कुछ इस तरह का, इतना ही तक ओपन होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आप यहाँ पे लुक देख सकते हैं। तो इन दोनों को पहले रखते हैं साइड। आप यहाँ पे जो मेन पावर बैंक है इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जो चार्जिंग का ऑप्शन है ये अप फ्रंट में है बेसिकली, और सब में अंदर जा करके होता है, लेकिन ये ओके ओके है, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट भी, लाइट हालांकि अभी नहीं चल रहा है, हो सकता है इसको चार्ज करना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका लुक भी आपको अच्छा लग रहा होगा। बाकी चलिए प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो ये जो हमारा ईयरफोन्स होने वाला है दोस्तों, ये आपको कह सकते हैं कि एक अच्छे लुक में है। अब इसको देखते हैं कि कान में जो है कि किस तरह से अटैच होता है, पूरी तरह से फिट हो रहा है या नहीं। तो हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि शुरू में आपको परेशानी आएगी कान में फिट करने में, लेकिन ये काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो रही है कान में, तो फिटिंग के मामले में काफ़ी अच्छा है। अब इसको साउंड क्वालिटी चेक करते हैं दोस्तों। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये एक तरह के आप कह सकते हैं पैच से आया है, आप यहाँ पे चिपका हुआ आपको दिखेगा। सबसे पहले आपको यहाँ से हटाना है दोनों को, और दोनों को हटाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ये जो दोनों है, ये दोनों को हटाने के बाद इन दोनों को एक बार आपको इसमें रखना है केस में, क्योंकि अभी तक ये कनेक्टेड नहीं थे इससे। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट भी अब जलने लगा है। तो अब उसके बाद एक बार लगाने के बाद आपको इसको निकाल करके फिर आप पेयर कर सकते हैं, पेयरिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने पेयर किया दोस्तों, हमने इसको यूज़ भी किया है। तो आपको बता दें जो हमारा जो रिव्यू है कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले तो ये जो कि कान में काफ़ी कंफर्टेबली फिट हो जाता है, जिससे कि जो कि ईयरबड्स के केस में जो इशू आते हैं कि जैसे ईयरबड्स गिर गया, खो गया, या किसी तरह से कहीं थोड़ा हिलने डुलने से कहीं गिर गया तो बर्बाद हो गया, तो एक तो ये प्रॉब्लम आपका इसमें रिजॉल्व हो जाता है कि जो हमारा ईयरबड है वो काफ़ी जो है कि अटैच्ड रहता है कान से, आपके ईयर से काफ़ी अटैच्ड रहता है, तो गिरने और भूल जाने का थोड़ा जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाता है इसके केस में। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो जो कि इसका साउंड का क्वालिटी है वो आप एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी एवरेज भी नहीं, एवरेज से थोड़ा ऊपर है, एक तरह से कह सकते हैं ओके ओके। जिस प्राइस रेंज में आपको अगर 1000 to 1200 के रेंज में अगर आपको ये मिलता है तो काफ़ी ओके ओके है। इसके साथ में अगर इसकी नॉइज़ क्वालिटी की बात करें कि जो बात करते समय कॉलिंग के समय जो आपको माइक का जो क्वालिटी मिलता है ये काफ़ी तगड़ा है दोस्तों, जो माइक जो है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का कह सकते हैं कि अच्छा क्वालिटी देता है। बाकी जो इसका साउंड क्वालिटी है वो एवरेज से थोड़ा ऊपर है, जिस रेंज में आपको मिल रहा है प्रोडक्ट उस रेंज में काफ़ी ओके है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जो ये जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों, ये जो हमारा ब्रांड है वो काफ़ी ग्रोइंग ब्रांड है, ये इंडिया का अपना ब्रांड है, तो बिल्कुल इसको प्रमोट कीजिए। चाइनीज़ ब्रांड्स के तरफ जाने से पहले इसको आप एक बार टेस्ट करें, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होगा। चार्जिंग वगैरह सारा कुछ सपोर्टेड है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है कि हमारा प्रोडक्ट का रिव्यू ख़त्म करते हैं। हम अंत में बता दें ये प्रोडक्ट बेहद ही फिजिबल है अगर आपको 1200 तक के रेंज में मिल जाए। अभी फ्लिपकार्ट और अमेजन पे 1000 के रेंज में आपको मिल रहा है, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, तो जल्दी कीजिए इसको खरीदिए क्योंकि समय बहुत कम है। हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कि मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ, आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।